फ्रेंड्स इस वक्त जा रहे हैं आबू रोड, आप सभी को खिलाने राजस्थानी स्वीट रबड़ी जो हमें मिलेगा आबू रोड में। उसके आगे जो है वो नगर निगम आएगा और ये इस साइड तरफ ये पंचायत है, इस तरफ और इस तरफ ट्राइबल एरियाज है। ये काफ़ी ज़्यादा नहीं, बहुत कम लोग, मतलब 20-40-50 लोग या 60 लोग आसपास यहाँ पे ट्राइबल्स है। इस वक्त मैं हूँ आबू रोड जो माउंट आबू राजस्थान इंडिया में पड़ता है और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, इस कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए। अगर मैं आप सभी को कहूँ कि आप सभी अगर कहीं घूमने का सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कि सेप्टेम्बर के बाद आप लोग फरवरी तक या मार्च तक ज़रूर यहाँ पर आइए। और गर्मियों को मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, जून जुलाई अगस्त में आप इसलिए ना आइए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है फ्रेंड्स। इस वक्त यहाँ पर 26 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सर्दियों में आइए। और यहाँ से आपको नियर बाई पड़ता है उदयपुर, और आपको उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ यहाँ से बहुत नज़दीक है, अजमेर यहाँ से नज़दीक है। और दोस्तों आप सभी का सवाल रहते हैं हमेशा, हर बार कहीं जगह जाना हो तो कितने बजट में हम कितनी जगह घूम सकते हैं या कितने बजट में हम आबू माउंट आबू पूरा ये आबू रोड से लेकर पूरा ऊपर माउंट आबू हम कितने बजट में देख सकते हैं। तो बात करूँ फ्रेंड्स में अगर बहुत ज़्यादा बजट की, तो आप लोग सोच सकते हैं बाई एयर जो नियर बाई एयरपोर्ट है वो है उदयपुर, ठीक है। आप लोग उदयपुर आइए और वहाँ से फिर टैक्सी ऑटो और जो राजस्थान यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट की बस है आप उसमें भी यहाँ पे आके ट्रैवल कर सकते हैं। और बाकी अगर मैं फ्रेंड्स अगर मैं इंडिया की बात करूँ, यहाँ पे रेलवे बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि आप बिल्कुल रेल में आइए। और जहाँ भी आप पूरे इंडिया या वर्ल्ड में आप हैं तो आपको वहाँ से तो बाई एयर आना पड़ेगा, और जब इंडिया आने के बाद आप यहाँ पे किसी भी आपके आसपास रेलवे स्टेशन होगा वहाँ जाइए और वहाँ पे काउंटर पे टिकट कीजिए और वहाँ से यहाँ आबू के लिए टिकट कीजिए। मैं बता रही हूँ 500-1000 में आप आराम से यहाँ आबू रोड आ सकते हैं। और अगर आप यहाँ आ गए एक बार बाई ट्रेन, ठीक है, तो ये आबू रोड स्टेशन है, मैं ठीक आबू रोड स्टेशन पर खड़ी हूँ। और स्टेशन दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों ने रेलवे स्टेशन तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन ये बहुत यूनिक रेलवे स्टेशन है, एकमात्र हिल स्टेशन राजस्थान का, और हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसा दिखता है हमारा ये पूरा भारत, कितना विभिन्नताओं से भरा हुआ है हमारा पूरा भारत। तो फ्रेंड्स इस वक्त यहाँ हूँ, इस वक्त अब देखिए आप यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे या मैं बोल रही हूँ 1000 रुपये में आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। यहाँ उतर जाइए और ये जो रेलवे स्टेशन है इसके ठीक बाहर जाइए, 2 मिनट आगे चल करके राजस्थान ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बस डिपो है आबू रोड में। और उसके अलावा यहाँ पर आपको टैक्सी मिलेगी, ऑटो मिलेगी, और यहाँ से आप यहाँ रुकिए, रुकने के लिए सबसे बेस्ट आबू का ये जो रेलवे स्टेशन है ये दिखाया, किस तरह आप आए वो भी बता दिया। अब मैं बताऊँगी कि आने के बाद कहाँ ठहरे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन तो बहुत कुछ है, होटल है, आप सभी वैसे होम स्टे में आपको बोलूँगी कि होम स्टे में रुके, वहाँ पे आपको यहाँ की लोकल चीज़ों के बारे में जानकारी ज़्यादा मिलेगी। और अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं PhD वगैरह में तो उनके लिए भी यहाँ पे रिसर्च के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे ट्राइबल एरिया है और राजस्थान में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं, और वीमेन की सिचुएशन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जो बनाते हैं वो तो बना ही सकते हैं। उसके अलावा जो टॉपिक ले सकते हैं PhD वगैरह MPhil PhD में वो टॉपिक ले सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स आएंगे फिर होम स्टे आप जा सकते हैं, यहाँ से टैक्सी लीजिए, बस लीजिए और पहुँच जाइए अपने होम स्टे में। आप यहाँ नीचे आबू में भी रुक सकते हैं, और मैं आपको बताऊँ नीचे आबू में ज़्यादा खास कुछ देखने लायक है नहीं, तो आप आधा दिन लगा करके यहाँ पे सब कुछ देख करके यहाँ से आप सीधा माउंट आबू ऊपर जाइए। माउंट आबू ऊपर जाने के लिए अगर मैं बजट बताऊँ, अगर आप पूरी टीम लेके आ रहे हो, जैसे आप अगर कोई ट्रिप में बोलते स्टूडेंट्स सोच रहे हैं ना, अगर आप लोग कहीं जाना है घूमना है, तो मैं आप सभी को बताती हूँ, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज के, चाहे यूनिवर्सिटी के, ट्रिप ना आप राजस्थान आइए, बहुत अच्छा आपका ट्रिप रहेगा। बाकी तो आप बहुत जगह है पूरे भारत में जा सकते हैं घूमने लायक, और जाना भी चाहिए, देखना भी चाहिए कि किस तरह कल्चर है। और हम अपनी जगह पे फ्रेंड्स हमें बहुत कुछ चीज़ें पता नहीं चलता है, जब हम अपने आसपास देखते हैं कि नहीं यहाँ तो हर चीज़ सही है। अगर मैं खुद बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, जिस जगह से मैं आती हूँ, तो वहाँ पे हर बच्चा स्कूल जाता है एजुकेटेड, और यहाँ जब मैं देखती हूँ कि बच्चे यहाँ पे रेलवे स्टेशन में चाय बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है कि आज हमारे मतलब कंट्री में और भी बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं हो पा रहे। और विमेन एम्पावरमेंट बात करते हैं हम एक दिन, लेकिन विमेन एम्पावर कितनी हुई है ये भी हमें सोचने की बात है।
तो आप लोग आ जाइए यहाँ पे और उसके बाद टैक्सी लीजिए और आपको 2500 रुपये वो बोलेंगे आपको पूरा आबू ट्रिप करवाने के लिए। मैं मोटाई बोल रही हूँ फ्रेंड्स, बाकी तो आपका अलग अलग रेट ऊपर नीचे, आप छोटी कैब करोगे बड़ा कैब करोगे उस हिसाब से। ऊपर माउंट आबू फ्रेंड्स देखने लायक है, नक्की लेक है, काफ़ी सारे देलवाड़ा टेम्पल हो गया, 4 टेम्पल है, वो जैन टेम्पल है और हिंदू वहाँ पे टेम्पल्स है, नक्की है लेक, वहाँ पे आप वो राइडिंग कर सकते हो और वहाँ पे आसपास आप काफ़ी अच्छी चीज़ें देख सकते हो। सनसेट पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा पॉइंट है, वहाँ आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए और घूमिए। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी है, शॉप का नाम है रबड़ी किंग सावल भाई, रबड़ी किंग सावल भाई इनका नाम है। आप जब भी आए आबू रोड तो ज़रूर इस शॉप में ज़रूर आइए, देख लीजिए, बहुत टेस्टी है, अच्छा लगा पहली बार में, बहुत टेस्टी है। देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा मार्केट है, आप सब देख सकते हैं ये घूंघट यहाँ कंपलसरी है विमेन के लिए घूंघट लगाना। ये देखिए घूंघट, कुछ लगा हुआ है क्या बनी